सो तुमने कोई ना कोई लाइफस्टाइल एसएमपी तो ज्वाइन कर ली होगी, क्योंकि अभी लाइफस्टाइल का जमाना बहुत ज्यादा चल रहा है, लेकिन तुमको पीवीपी नहीं आती। तो आज मैं तुमको सिखाऊंगा हाउ टू बिकम प्रो इन माइनक्राफ्ट पीवीपी 1.19, वो भी हिंदी में। तो मैं चीजों को स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करूंगा, तो इसलिए वीडियो को पूरी देखना, वरना कहीं कमेंट्स में जाके ओए तू तो नूब है, ये सब चीजें तो हमको पता है, तू हमको क्या सिखाएगा, ये सब कमेंट्स मत करना। तो माइनक्राफ्ट में दो टाइप्स की पीवीपी होती है, एक 1.8 पीवीपी जिसमें तुमको सिर्फ स्पैम करना होता है अपने माउस को, अरे वो वाला माउस नहीं जिससे तुम खेलते हो वो वाला माउस, और एक है 1.19 पीवीपी जिसमें अलग अलग हिटिंग मेथड्स होते हैं जो कि अभी मैं तुमको आगे बताने वाला हूँ, और सबसे एंड में मैं तुमको बताऊंगा कुछ ऐसी ट्रिक्स जिससे तुम्हारा गेम प्ले बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। तुम अगर पीवीपी कर रहे हो ना तो तुमको ये सेटिंग्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। सेटिंग्स में हमारे पास सबसे पहले है FOV, जिसको कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। अगर तुम इसको जितना कम रखोगे उतनी तुम्हारी स्क्रीन छोटी हो जाएगी, और मैं तुम्हें ये सजेस्ट करूंगा कि तुम इसको जितना ज़्यादा हाई कर सको उतना ज़्यादा हाई रखो, क्योंकि इससे तुम्हारी स्क्रीन बड़ी हो जाती है और अगर कोई एनिमी तुम्हारे साइड से आ रहा है तो तुमको इजीली पता चल जाएगा। और ये सेटिंग तुमको 1v2, 1v3 और 1v4 में भी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, मतलब ये सेटिंग करने के बाद तुम कत्ते ही प्रो बन जाओगे। और नेक्स्ट सेटिंग है अपनी डायनामिक FOV, और तुमको इसको ऑफ रखना है वरना तुम्हारी स्क्रीन कुछ ऐसी दिखने वाली है, और ऐसी स्क्रीन के साथ खेलने से अच्छा है कि तुम अपने PC को उठा के फेंक दो। कुछ सेटिंग्स ऐसी भी है जिससे तुम्हारे FPS बूस्ट हो सकते हैं, लेकिन वो सेटिंग्स इस वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो अगर तुम बोलोगे तो फिर मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ। माइनक्राफ्ट 1.19 में तीन हिटिंग मेथड्स होते हैं, मतलब वो वाले हिट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस वाले हिट की बात कर रहा हूँ, और उनमें से एक है स्वीप हिट्स। जब तुम कोई प्लेयर को एक जगह खड़े रह के मारते हो तो उसको स्वीप हिट्स बोलते हैं। नंबर सेकंड पे है स्प्रिंट हिट्स, तो जब तुम W प्रेस करते हुए कोई प्लेयर को हिट करते हो तो उसको स्प्रिंट हिट बोलते हैं, और ये प्लेयर को बहुत ज़्यादा नॉकबैक देता है, और इसलिए इसमें कॉम्बो करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। एंड नंबर थ्री और सबसे लास्ट पे क्रिट्स, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डैमेज देता है अगर हम कंपेयर करें बाकी दोनों हिट्स से। जब अगर तुम जंप करोगे और ज़मीन पे लैंड करने वाले होगे तब अगर तुम किसी प्लेयर को हिट करते हो तो उसको क्रिट्स बोलते हैं, और इसकी प्रैक्टिस तुम सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में कर सकते हो आर्मर स्टैंड की मदद से, और अगर एक बार तुम क्रिट चेंस में एक्सपर्ट हो गए तो तुमको पीवीपी में कोई नहीं हरा सकता। लेकिन उसके लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि है प्रैक्टिस। अब ऐसा नहीं है कि तुम एक ही दिन में सेंपाई स्पाइडर को हरा दोगे, भाई वो भी तो इंसान ही है, उन्होंने भी प्रैक्टिस करी है तब जाके वो इतने अच्छे हैं पीवीपी में। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो तुमको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर तुम किसी से पीवीपी करते हो तो। सो जब भी तुम किसी प्लेयर से पीवीपी करते हो तो तुमको 3 ब्लॉक की रीच मेंटेन करना ज़रूरी है, ताकि वो तुमको हिट ना कर पाए और तुम उसकी रीच में ना रहते हुए भी उसको हिट कर पाओ, और जैसे जैसे तुम इस चीज़ की प्रैक्टिस करोगे तुमको ये चीज़ धीरे धीरे आने लग जाएगी। नेटपॉट, जब भी तुम नेटपॉट खेलो तब तुमको ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि जितना ही ज़रूरी तुमको स्ट्रेंथ का पोशन है उतना ही ज़रूरी तुमको स्पीड का पोशन भी है। स्पीड का पोशन तुमको हेल्प करेगा उसकी रीच से दूर जाने में, और जितना तुम मूवमेंट करोगे उतना ज़्यादा वो तुमको मार नहीं पाएगा, और मूवमेंट भी माइनक्राफ्ट पीवीपी में बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। जब भी तुम्हारी फाइट स्टार्ट होगी उससे पहले हमेशा तुमको गोल्डन एप्पल्स खानी है, क्योंकि गोल्डन एप्पल्स खाने से तुमको एक्स्ट्रा हर्ट्स तो मिलते ही हैं लेकिन उससे सैचुरेशन भी मिलता है। अच्छा अब मैं तुमको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। एक जगह मेरे पास सैचुरेशन नहीं है तो मैं कितनी जल्दी मर जाता हूँ, और वहीं दूसरी जगह मेरे पास सैचुरेशन है तो उसको मुझे मारने में कितना टाइम लग रहा है। अब इसी के साथ एक छोटी सी टिप यह है कि तुम्हारे पास हीलिंग पोशंस है उसको फालतू में वेस्ट मत करो। तुम्हारे पास एक स्टैक गोल्डन एप्पल्स है, जैसे ही तुम्हारी सैचुरेशन कम हो गोल्डन एप्पल्स खा लो। तो ये थी सारी चीज़ें जो कि मुझे पता थी, और अगर मुझसे कोई चीज़ मिस हो गई हो तो तुम कमेंट्स में ज़रूर बता देना, मुझे भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। और हाँ, मुझे पता है अब कोई ना कोई धुरंधर तो आएगा कमेंट्स में मुझे पीवीपी चैलेंज करने के लिए, लेकिन ये वीडियो सिर्फ एक बिगनर गाइड थी, मैं भी कोई इतना प्रो नहीं हूँ पीवीपी में।